गीता, मैं आ गया हूं। गीता, मैं आ गया हूं। होते हैं वो ही मरते हैं। आज ये मर चुकी है, सचमुच मर चुकी है। साधना जी हमारे बीच नहीं रही, और जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन साधना जी बहुत दुखी होके गई। आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा थी और बहुत ज्यादा बीमार थी। उनके साथ रहने वाला, केयर करने वाला कोई भी नहीं था। वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, जिंदगी ज्यादा तकलीफ देती है। और वाकई जब तक वो जिंदा रही आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ में रही। उन्होंने बहुत गुहार लगाई। दोस्तों की रिश्तेदार तो खैर थे नहीं, पति भी नहीं थे, माँ भी वो नहीं बन पाई। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत शर्म हो तो अंतिम संस्कार में भी आ जाते हैं। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनली कौन आदमी या कौन औरत कैसे जी रही है, किन हालात में जी रही है, मैं बस मेरे से बोला नहीं जा रहा। थैंक यू मैम। इंडस्ट्री में यूं तो कई अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमाने आती हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने अभिनय के जादू से हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में बस जाती हैं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे नाना जा प्यार करने वाला। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने अभिनय ही नहीं बल्कि अपनी हेयर स्टाइल और फैशन से भी हिंदी सिनेमा पर राज किया। चलेगा मेरा सारा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदासानी की। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। प्यार अमर, 1960 के दशक के मध्य में राज खोखला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर त्रयी फिल्मों में
मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए साधना को लोकप्रियता रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2 सितंबर 1941 को हुआ था। कराची में जन्मी साधना और उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। जब वो 7 साल की थी 1955 की फिल्म श्री 420 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शस्त्र मुखर्जी की शिष्या बन गईं, जिन्होंने उन्हें 1960 की लव इन शिमला में कास्ट किया, जहां उनका विशिष्ट हेयरस्टाइल लोकप्रिय हो गया और साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। इस सफलता के बाद साधना ने 1960 में परख, 1961 में हम दोनों, 1962 में असली नकली और एक मुसाफिर एक हसीना और 1963 में मेरे महबूब जैसी फिल्मों से उन्होंने खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। मेरे महबूब तुझे मेरे मुहब्बत की। 1964 में वो कौन थी, 1965 में आरजू, वक्त, 1966 में मेरा साया और 1967 में अनीता। 1960 के दशक में उत्तरार्ध में हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण साधना का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें काम से कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा था। वो अपने इलाज के लिए बॉस्टन चली गईं और 1969 में बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्मों एक फूल दो माली और इंतकाम में अभिनय करके अभिनय में लौट आईं। जब प्यार करने वाले तेरी पैर नहीं, अरे यो हम पे मरने वाले। में साधना ने क्राइम थ्रिलर गीता मेरा नाम से निर्देशन में अपनी शुरुआत की और बाद में अभिनय से हट गई। उनकी आखिरी स्क्रीन उपस्थिति विलंबित रिलीज उल्फत की नई मंजिलें जो 1994 में आई थी, उसमें उन्होंने अभिनय किया। 2002 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे सुनने। सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजलि शिवदासानी के रूप में जन्मी साधना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हालांकि उनके पिता शिवराम शिवदासानी बंगाली अभिनेत्री और नर्तक साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरी शिवदासानी के बड़े भाई और अभिनेत्री बबीता के पिता थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के विभाजन के दौरान ये परिवार कराची से आकर बंबई बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वो जय हिंद कॉलेज में कला डिग्री में अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए आगे बढ़ीं। अपने कॉलेज के दिनों में वो कई नाटकों में अभिनय करती थीं, लेकिन जब परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलाबा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह कॉलेज जाती थीं और दिन के दूसरे भाग में काम करती थीं। हालांकि वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गई। वो बचपन से ही फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी। और कहा जाता है कि अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा थी। वो अभिनेता देवानंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, जिनके साथ उन्होंने 1961 की फिल्म हम दोनों और 1962 की फिल्म असली नकली में काम किया था। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे। साधना ने 1955 में
राज कपूर की फिल्म श्री 420 में मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के गाने में एक कॉरस लड़की की भूमिका निभाई। जब वो 15 साल की थी तब कुछ निर्माताओं ने उन्हें संपर्क किया जिन्होंने उन्हें कॉलेज के एक नाटक में अभिनय करते देखा था। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म 1958 की अबाना में कास्ट किया जिसमें उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 1 रुपया मेहनताना मिला था। फिल्म अबाना के प्रचार शूट के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर फिल्म पत्रिका स्क्रीन में छपी। तभी उस समय हिंदी सिनेमा के प्रमुख निर्माताओं में से एक शशधर मुखर्जी की नज़र उन पर पड़ी। वो अपने नवोदित सहकलाकार जोयल मुखर्जी शशधर मुखर्जी के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हुई। रामकृष्ण नैयर यानी आर के नैयर जो पहले कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेबर्न से प्रेरित होकर उनका ट्रेडमार्क लुक भी बनाया जिसे साधना कट नाम दिया गया। तुमने पुकारा और हम चले आए दिन सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे। इस प्रकार फिल्मालय प्रोडक्शन ने अपने 1960 के रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला में जॉय मुखर्जी साधना और उनके प्रतिष्ठित हेयरस्टाइल को पेश किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया और 1960 के शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। इस अवधि के दौरान वो एक मुसाफिर एक हसीना में जॉय मुखर्जी के साथ फिर से उसी बैनर के तहत काम करने लगी। लव इन शिमला के अलावा साधना को प्रशंसित निर्देशक बिमल रॉय ने भारतीय लोकतंत्र पर अपनी व्यंग्यात्मक फिल्म परख के लिए साइन किया था। इस बहु पुरस्कार विजेता फिल्म में उन्होंने एक साधारण गांव के लड़के की भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही और इसे लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत ओ सजना बरखा बहार आए के लिए जाना जाता है। की हिट फिल्म हम दोनों में साधना ने देवानंद की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इस श्वेत शाम फिल्म को रंगीन बनाया गया और 2011 में पुनः रिलीज किया गया। 1962 की निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म असली नकली में उन्हें एक बार फिर देवानंद के साथ जोड़ा गया। फिर 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब। ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में साधना राजकुमार अशोक कुमार निमी प्राण जॉनी वॉकर और अमिता हैं। इस फिल्म में साधना ने टेक्निकलर फिल्म में अपनी पहली भूमिका निभाई। फिल्म मेरे महबूब का निर्देशन H.S. रवेल ने किया था। इस फिल्म का गाना मेरे महबूब तुझे इसे यूनिवर्सिटी हॉल में शूट किया गया था। रिलीज होते ही ये गाना काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया था। मेरे महबूब तुझे मेरे ये फिल्म 1963 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और 1960 के दशक की शीर्ष 5 फिल्मों में शामिल थी। 1964 की फिल्म वो कौन थी मनोज कुमार के सामने सफ़ेद साड़ी पहने इस प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। 1965 की आरजू भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1966 की मेरा साया वो भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में उन्होंने फिर से दोहरी भूमिका निभाई। ये फिल्म साधना के साथ राज खोसला द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म थी। आशा भोसले द्वारा गाए गए और मदन मोहन द्वारा रचित गीत झुमका घेरा रे में साधना ने सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए डांस स्टेप्स किए थे। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ था कि सिनेमा हॉल्स में उत्साहित दर्शक स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे और ये रेडियो पर सबसे अधिक अनुरोधित गीतों में से एक है। फिल्म में क्लासिक गाना मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए दोनों को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। बिजली से चमके हाय। 1965 की फिल्म
वक्त ये एक ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में साधना सुनील दत्त के साथ नजर आई थी। इस हिट फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए साधना को यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म यानी वक्त में मीला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना दूसरा फिल्मफेयर नामांकन मिला। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। टाइट चूड़ीदार कुर्ते का फैशन सामने लाकर वो बॉलीवुड की पहली कलाकारों की टोली में शामिल हो गई। इस फिल्म में मन्ना डे द्वारा गाया गया ए मेरी जोहरा जवी, महेंद्र कपूर और आशा भोसले द्वारा गाया गया हम जब सीमत के, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया वक्त से दिन और रात और आगे जैसे हिंदी गाने हिट किए हैं। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1967 की अनीता और इस सस्पेंस फिल्म में साधना मनोज कुमार के साथ नजर आई थी, जिनके साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म वो कौन थी में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये राज खोसला और साधना साझेदारी की सस्पेंस थ्रिलर त्रयी की आखिरी फिल्म थी। 1969 की फिल्म इंतकाम, इस फिल्म का निर्देशन आर के नैयर ने किया था और इसमें साधना और संजय खान मुख्य भूमिका में थे और अशोक कुमार, जीवन, राजेंद्र नाथ रहमान, हेलेन और अंजुम महेंद्रो ने इसका समर्थन किया था। दोस्तों, लव इन शिमला ने साधना को न केवल फिल्मी जगत में पहचान दी बल्कि उनके हेयर स्टाइल को भी दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। साधना का हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से आज भी मशहूर है। इस हेयर स्टाइल के पीछे एक कहानी है जो काफ़ी मज़ेदार है। दरअसल जब लव इन शिमला पर काम चल रहा था तो फोटो में उनका माथा बहुत उभर कर आता था, उसे ढकने के लिए काफ़ी मेहनत की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन दिनों हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेबर्न का हेयर स्टाइल काफ़ी पॉपुलर था तो साधना सीधे पार्लर गई और यह हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये हेयर स्टाइल साधना की पहचान बन गया था। साधना को अपनी पहली ही फिल्म लव इन शिमला के निर्देशक आर के नैयर से शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत ज़्यादा था क्योंकि साधना उस समय महज 16 साल की थी जबकि आर के नैयर 22 साल के थे। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 1995 में आर के नैयर की डेथ हो गई जिसके बाद साधना बिल्कुल अकेली रह गई। इन दोनों की कोई संतान भी नहीं थी। आर के नैयर की डेथ के बाद अचानक ही साधना को बीमारियों ने झकड़ लिया। उनको थायराइड की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शंस में जाना और फ़ोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया था। वो अपने आखिरी दिनों में किराए के मकान में रहा करती थी। वो बंगला आशा भोसले का था। काफ़ी सालों पहले फिल्मों से दूर हो चुकी हिंदी फिल्मों की इस मशहूर अदाकारा ने 25 दिसंबर 2015 को इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनकी डेथ मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में हुई थी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। क्या हुए वो दिन।